हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में, म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, अभी कोरोना से हम उभर ही नहीं पाए थे कि इसके साथ ही एक नई बीमारी और भी ज्यादा चिंता का विषय बन गई है। बहुत से कोरोना मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी जान भी चली गई है। कोरोना वायरस के चलते ही एक नई बीमारी ने दस्तक दी है, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जा रहा है। ब्लैक फंगस देश के 10 से भी ज्यादा राज्यों में पैर पसार चुका है, जिसकी वजह से बहुत से मरीजों की जान चली गई है। कोरोना अब शहर से गांव की ओर तेजी से बढ़ रहा है और गांव में ब्लैक फंगस के ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गांव में इन्फेक्शन की पहचान और इलाज टाइम पे नहीं हो पाता। इससे बचने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। ब्लैक फंगस से किन लोगों को ज्यादा खतरा है? कोरोना से कमजोर हुए लोगों को ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरा है, क्योंकि कोरोना से कमजोर लोगों में ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिन लोगों को शुगर है, या जो लोग लंबे टाइम से बीमार हैं, या फिर आईसीयू में एडमिट रह चुके हैं, ये उन लोगों में ज्यादा पाया जा रहा है। कोविड पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन उनकी बॉडी में आसानी से एंट्री कर जाता है। दोस्तों, ये बीमारी उन्ही लोगों को ज्यादा हो रही है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, यानी कि जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। तो दोस्तों, सभी लोगों को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस बॉडी में एंट्री कैसे करता है? ये फंगस मिट्टी, पौधे, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पाया जाता है। ये नाक के द्वारा, मिट्टी के संपर्क में आने से या खून के जरिए हमारी बॉडी में एंट्री करता है। फिर ये स्किन, फेफड़ों, आँख और दिमाग पर असर करने लगता है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की कई बार आँख भी निकालनी पड़ जाती है, या फिर जिस भी अंग में ये फंगस हो गया है उस अंग को काट कर अलग करना पड़ता है। शुरुआत में इस बीमारी का पता नहीं चल पाता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत नुकसान हो गया होता है। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो नाक बंद होना, नाक से खून आना, नाक और सर में दर्द, आँख और चेहरे पे सूजन, धुंधला दिखना, दांत में दर्द और खून की उल्टी आना, ये इसके प्रमुख लक्षण है। भारत में इस बीमारी की चपेट में वही लोग ज्यादा पाए जा रहे हैं जिनको डायबिटीज है या फिर किसी और बीमारी से पीड़ित है। और कोरोना मरीज तो पूरी तरह से वीक हो ही जाते हैं। इस बीमारी की टाइम पर पहचान न होने से ये बीमारी जानलेवा बन जाती है। जब ब्लैक फंगस बॉडी में एंट्री करता है तो सबसे पहले नाक और आँख के पास लाल लाल सा होने लगता है, या फिर स्किन पर एकदम से जख्म दिखने लगे तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ब्लैक फंगस से बचाव के लिए यही कहना चाहूंगी कि आप कहीं भी बाहर जाएं मास्क लगा कर जाएं, बाकी तो आपको कोई भी लक्षण दिखे तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।